समीप ग्राम तलकपुरा में 100% वैक्सीनेशन को लेकर तहसीलदार के आदेश पर शिक्षक ड्यूटी लगाने चले हैं। जागरूकता अभियान के तहत मजदूर किसानों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 अंतर्गत व्यापक प्रचार प्रसार व 100% वैक्सीनेशन विभागीय समीक्षा बैठक 29 सितंबर 2021 के आदेश अनुसार तहसीलदार द्वारा समक्ष दिए गए निर्देश का पालन करने हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के खेतिहर मजदूर एवं अन्य समस्त जन सामान्य को वैक्सीनेशन हेतु मोटिवेट करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन टीम के साथ लगाई गई। इसका समय सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम तय समय पर नहीं पहुंची, जिससे शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिक्षक तहसीलदार के आदेशों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी पर डट गए, लेकिन वैक्सीनेशन टीम की नहीं पहुंचने से मजदूर किसान अपने कामों पर निकले हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा हुआ है। शिक्षकों ने मांग की कि साथ में पुलिस के जवान, स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ हो तो 100% वैक्सीनेशन हो सकता है। ये मजदूर वर्ग जो पिकअप से वगैरह मजदूरी करने जाते हैं, इनको अधिकतर मतलब टीकाकरण गाँव में देखा गया है कि पनाली, उपड़ी और इधर पनवाड़ा में टीकाकरण बहुत कम हुआ है, क्योंकि मजदूर सुबह से 7 बजे से निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं, और टीकाकरण की टीम दिन में घूमती है तो इनको मिल नहीं पाते। इसलिए तहसीलदार महोदय और सीओ साहब ने टीम गठित करी हमारे शिक्षकों की, जन शिक्षक मिलकर। तो हम तलकपुरा फाटे पर, यहाँ पनाली फाटे पर हम खड़े हैं, पिकअपों को रोक रहे, लेकिन क्या हुआ है कि हमारे साथ में पुलिस की टीम भी आना था और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आना था, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। और हमने मजदूरों को मोटिवेट किया और उनको कहा कि टीकाकरण कराना जरूरी है और सभी को मतलब टीकाकरण राष्ट्रीय अभियान है तो सभी को लगना आवश्यक है, क्योंकि जब तक टीकाकरण सभी को नहीं लगेगा बीमारी हमारे देश से नहीं जाएगी, मतलब बीमारी भगाने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो इस कारण आज हमने यहाँ पर तलकपुरा फाटे पर, पनाली फाटे पर मजदूरों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। से गांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।